स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में आज आपको हम दिखाएंगे लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का ये जो है आपका थर्ड वीडियो है, यानी कि पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड वीडियो आपको दिखा रहे हैं आज हम। तो पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो इसका अपलोड हो चुका है, अगर आप वो सब नहीं देखें तो देख लीजिए। ये जो आपका लेसन प्लान है इंग्लिश सब्जेक्ट का है, जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं और जो बीएड कर रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में है, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर में, आपको पता ही होगा। तो आप इस लेसन प्लान को देख के यहाँ से लिख सकते हैं और लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अगर देखिए आपका फर्स्ट मेथड इंग्लिश है या फिर सेकंड मेथड इंग्लिश है, तो जो भी मेथड है आपका, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। दोनों मेथड के लिए ही काम आएगा। जहाँ आप देखिए फ्रंट पेज लिखिएगा, फ्रंट पेज में आपको फर्स्ट मेथड लिखना पड़ेगा अगर फर्स्ट मेथड आपका है तो। अगर सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड लिखिएगा और लेसन प्लान लिखिएगा वहाँ पर फ्रंट पेज पर। तो फ्रंट पेज पर आपको सिर्फ चेंज करना है मेथड, यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे फर्स्ट मेथड में आपको लिखा जाता है लेसन प्लान, वैसे सेकंड मेथड के लिए भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको दिखाएंगे, आज हम थ्री नंबर लेसन प्लान से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दो लेसन प्लान दिखाएंगे, थ्री और फोर, क्योंकि ज़्यादा लेसन प्लान दिखाते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है और आप लोग वीडियो को देखते नहीं और ना ही अपना लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। इसीलिए हम आपको छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं ताकि छोटा वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और आपको हेल्प हो सके। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन प्लान को। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख लिए, ये लेसन प्लान का थ्री नंबर लेसन प्लान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है थ्री नंबर लेसन प्लान, और यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम लिखना है आपको। उसके पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर आपको वीडियो में बीएड रिलेटेड ही वीडियो मिलता है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं चाहे कोई भी सेमेस्टर में हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको वन सेमेस्टर से लेकर फोर सेमेस्टर तक का सारा यहाँ पे मटेरियल फ्री में मिल सके और आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हेल्प लेके और अपना बीएड को आप सक्सेसफुली कम्प्लीट कर सकें। तो चलिए आज का आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो अच्छा, नहीं किए तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लेसन प्लान से स्टार्ट करते हैं, थ्री से। यहाँ थ्री नंबर लेसन प्लान है। तो देखिए ये जो लेसन प्लान है, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज से हैं आप, तो सारे स्टूडेंट इसको देख के लिख सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट से हो। ऐसा नहीं कि आपका स्टेट में ये लेसन प्लान नहीं चलेगा। अगर आपका इंग्लिश वर्सन है, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपका लेसन प्लान थ्री है। तो थ्री लेसन प्लान में यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए लेसन प्लान कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये स्कूल का नाम आपको अपना कॉलेज से पूछ के लिखना है। आपको जैसे मेरा फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी बताए थे इसका पार्ट वन पार्ट टू में, उसी तरह से इसमें भी आपको स्कूल का नाम छोड़ देना है। आपको अपना इस कॉलेज से बताया जाएगा, वहाँ से पूछ के आपको लिखना। फिर यहाँ पर क्लास, कौन सा क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, ये लेसन प्लान किसके लिए बना रहे हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पीरियड, यानी कि कितना टाइम आप दे रहे हैं क्लास में बच्चा को पढ़ाने के लिए, वो लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है आपका क्लास में, वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डेट, यानी कि डेट, किस डेट को आप क्लास ले रहे हैं, बच्चा को पढ़ा रहे हैं अपना स्कूल में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश। तो आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखिएगा, इंग्लिश का ही आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखना है, उसके बाद यूनिट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपका सब यूनिट लिखना है। ये सब लिख दिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। तो इसको देख के आप अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख के लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। और देखिए इसका वीडियो का लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कैसे फ्री में प्रोवाइड होगा, आप कहाँ से पाइएगा, इसको डाउनलोड कैसे कर सकिएगा। तो आप जरूर से पूरा वीडियो देखें, तभी आपको वो पता चलेगा और इसका पीडीएफ आपको मिल सकेगा। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या था, प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में जैसे लिखा, आपको सेम इसी तरह से लिखना है देख देख के। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर आपको नॉलेज है, नॉलेज को लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में फिर यहाँ आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग को लिख लेना है जैसे यहाँ पर लिखा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को भी आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है स्किल। तो स्किल को भी लिख लेना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे टीएलएम। तो टीएलएम का मतलब आप जानते ही हैं। तो देखिए टीएलएम में आपको क्या लिखना पड़ता है, स्पेसिफिक, और यहाँ पर जनरल। तो जनरल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए क्लास में बच्चा को पढ़ाने के लिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मैंसन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वो लिख दिए। और स्पेसिफिक में भी आपको क्या चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए, बुक चाहिए, वो सब आप स्पेसिफिक में लिख सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए आपका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में आपको जो लिखा है इसको लिख लिया इस तरह से। हम देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन शॉट लेके भी बाद में आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपका क्या है यहाँ पे अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं यहाँ पे, जो बच्चा को क्लास में पढ़ा रहे हैं वो अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको कर देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको लिखना। देखिए ये थोड़ा आपको जूम आउट कर दिए, ये जूम इन कर दिए, उसकी जूम आउट और जूम इन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन आपका हो गया। प्रेजेंटेशन में आपको देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना मेथड, यहाँ पे आपका टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। तो देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आराम से इसको देखते जाइए, लिखते जाइए इस प्रकार से। देखिए ये देखिए आप देख देख के इसको आराम से लिख सकते हैं घर बैठे, और लिख के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ पता है आप मॉडिफाई भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद फिर क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड में आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा को क्लासरूम में, वो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं इस प्रकार से, आप देख लीजिए आराम से इसको देख के लिख सकते हैं। ये देखिए उसके बाद धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, इसको भी आप देख के लिख लीजिए। ये देखिए इसको देख के लिख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए और क्या है आपका, यहाँ पे आपका आता है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन को भी आपको लिखना है, जैसे लिखा हुआ देखिए इवोल्यूशन को लिख लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट आपका जो थर्ड लेसन प्लान था वो समाप्त होता है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आपका फोर लेसन प्लान, तो फोर लेसन प्लान इसको देखिए यहाँ, तो देखिए ये है आपका फिर फोर लेसन प्लान। फोर लेसन प्लान में जैसे अभी आपको थ्री लेसन प्लान दिखा है उसी तरह से इसमें भी सब कुछ लिखना है आपको उसी तरह से। यहाँ सिर्फ आपका जो है टॉपिक चेंज हो जाएगा, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चा का वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कूल का नाम, क्लास, पीरियड, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट, यहाँ पे अपना टीचर का नाम आप जो है टीचर नेम यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे सब्जेक्ट में इंग्लिश, उसके बाद टॉपिक जो आपका है टॉपिक लिखिएगा, यूनिट लिखिएगा, सब यूनिट लिखिएगा, जैसे इसमें लिखा है उसी तरह से आपको सेम लिखना है। इसको भी देख देख के इस तरह से देखिए ये देख के लिख लिए। उसके बाद आपका प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को भी आपको लिखना जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव में वही सब चीज़ लिखना जैसे आप पहले आपको दिखा रहे थे नॉलेज। उसके बाद यहाँ पर आपका है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है फिर आपका एप्लीकेशन, फिर आता है यहाँ पर आपका स्किल, ये सब लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है यहाँ पे, फिर आपका वही सब चीज़ TLM, TLM में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चा को वो सब चीज़ लिखना है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है प्रिपरेशन, वो लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आता है अनाउंसमेंट, वो लिख दिए, अनाउंसमेंट को भी लिख दिए। अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन को देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, ये प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन में देखिए क्या क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव, मेथड, टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। इसको लिख दिए, लिखने के बाद इसको देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख देख के लिख लीजिए इसको, इसको लिख दीजिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आता है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड को भी आपको लिखना, थोड़ा जूम कर देते और आधा आधा करके आपको दिखाते इसको हाफ हाफ करके, ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। तो ये लिख लिए ब्लैक बोर्ड, इसको हाफ देख लिए अभी, इसका और हाफ देख लीजिए इस प्रकार से है, जैसे लिखा आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, फिर आपका यहाँ पे आता है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। इवोल्यूशन को लिखने के बाद फिर आपका यहाँ पे लेसन प्लान जो है यहाँ पे समाप्त होता है, फिर लेसन प्लान आपका 5 आ जाता है। तो लेकिन लेसन प्लान आपको 5 अभी हम नहीं दिखाएंगे, लेसन प्लान 4 तक ही दिखाएंगे। लेसन प्लान 5 और 6 फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, इसका ये आपका पार्ट 3 है, आपका पार्ट 4 में आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये पार्ट 3 वीडियो आपका था, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जानकारी कैसा लगा, लेसन प्लान कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वो वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वहाँ से देख पाइएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपका यहाँ पर प्रैक्टिकम असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं हुआ है, अगर आप 3rd सेमेस्टर में है तो इसमें प्रैक्टिकम भी आपको बनाना पड़ता है, तो वो सब भी नहीं बनाए तो अब हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल का, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिकम असाइनमेंट का सॉल्व किया हुआ, वहाँ से जाके आप देख के बना सकते हैं और अपना असाइनमेंट प्रैक्टिकम भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें।